हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्टेट द कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है और उसके कॉजेज के बारे में हम बात करेंगे। डिप्रिसिएशन सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? स्क्रीन पे हालांकि डिप्रिसिएशन अभी आपको शो नहीं कर रहा, बट आई दैट शो यू टू। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फ्यू अदर थिंग्स जिसके बारे में मैं चाहता हूँ आपसे बात करना। जैसे कि जब भी आप हमारे चैनल पे आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि आप जब भी स्टडी करें तो हमारे चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट के माध्यम से स्टडी करें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी एम कॉम, देखो यहाँ पे न्यू एम कॉम ओल्ड, बी कॉम न्यू, बी कॉम ओल्ड। तो बी कॉम न्यू के आप स्टूडेंट हो, बी कॉम न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट? यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक ना? दूसरी बात, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप बीकॉम में आएंगे और यहाँ पे आज छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे वीडियोज और जो नोट्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, आपका उन्हीं के उन्हीं से प्रिपरेशन जो हो जाएगा। फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स, आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यू नो आपको मिल जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप ट्यूशन करते हैं उसी तरीके से आपको जो है प्रोवाइडेड की जाएंगी सारी की सारी सर्विसेज, ठीक है? चलते हैं फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है डिप्रिसिएशन और उसके कॉजेज, राइट? डिप्रिसिएशन क्या होता है सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। सो व्हाट इज डिप्रिसिएशन? अगर हम बात करें तो इन जनरल मैं अगर सबसे पहले आपको बताऊंगा डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में लगातार निरंतर जो गिरावट आती है ना, ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, धीरे 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 करके किसी भी फिक्स्ड एसेट की प्राइस जो है गिरती रहती है, और एक टाइम पे आकर के आप उसको किसी ना किसी वैल्यू पे, स्क्रैप वैल्यू पे आप बेच देते हो। जो जिस वैल्यू पे बेचते हो उसे हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में साल दर साल, उसे हम कहेंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है? मैं कोई अच्छा सा यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन है। सो डिप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द एग्जॉशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो एक गिवन पीरियड के भीतर में जो एग्जॉस्टनेस के कारण जो उसमें गिरावट आ रही है उसे हम एक तरीके से डिप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे देखो एक और लिखा हुआ है, एलोकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट टू ईच पीरियड इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन व्हिच रिप्रेजेंट द एक्सपायर पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, है ना? इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू ICMA देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्रिसिएशन इज द डिमोनिशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज एंड लैप्स ऑफ टाइम, है ना? तो डिप्रिसिएशन डिमोनिशन होता है जो डिप्रिसिएशन जो है उसकी वैल्यू जो भी होती है फिक्स्ड एसेट की, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें एक तरीके से डिमोनिशन होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है ना, ड्यू टू यूज, जैसे कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो या फिर तो उसके लैप्स ऑफ टाइम के वजह से, जैसे जैसे समय बीतता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आपके पास एक फोन है, आपने जिस दिन अपना फोन खरीदा अगले ही दिन अगर आप उसको बेचने जाओगे तो उसकी प्राइस आधी हो जाएगी। कुछ टाइम बाद बेचोगे तो भी आधी रहेगी, लाइक एक साल बाद भी बेचोगे तो आधे दाम पे बेच सकते हो, पर जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, एक साल, दो साल, तीन साल, आगे जाकर के हो सकता है कि कोई आपसे वो फोन खरीदे ही ना। क्यों? क्योंकि आप उस फोन को एक तो इस्तेमाल कर रहे हो, ये एक रीजन है। दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम, आप जब तक अपने फोन को बेचने के लिए जाओगे तब तक और भी नई नई फोन जो है मार्केट में आ चुकी होंगी जिसको लोग लेना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट? सो डिप्रिसिएशन इज लाइक द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एंड दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि ये होने के पीछे जो है आखिर रीजन क्या होता है। सबसे पहला रीजन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है वियर एंड टियर, मतलब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो और वो धीरे धीरे जो है उसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, राइट? सो वियरिंग आउट ऑफ द एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट यूज इज कॉल्ड वियर एंड टियर, है ना? तो एक तरीके से जो एसेट है वो आपका वेयर एंड टीयर हो रहा है, उसमें वो खराब होते जा रहा है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो घटती जा रही है क्योंकि आप उसका कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, तो उसे हम कहेंगे वेयर एंड टीयर। दिस कॉज अ डेफिनेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इज रिगार्डेड एज अ मेजर सोर्स ऑफ डिप्रिसिएशन। अब ये जो कारण होता है ये बहुत ही एक डेफिनेट रीजन होता है, तकरीबन जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आप लेते हो सबका जो है आप यूज करते हो, डेफिनेटली उससे भी उसकी वैल्यू घटती है, राइट? तो आप जो इसका सामान ले रहे हो उसका आप कंटिन्यूअस वे में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जो है इसकी वैल्यू जो है डेफिनेट जो इसका जो प्राइस है वो एक तरीके से घट रहा
होता है, और ये जो है मेजर सोर्स होता है डिप्रिसिएशन का, वेयर एंड टेयर जो है वो मेजर सोर्स होता है डिप्रिसिएशन का। ठीक है, अगला पॉइंट है लैप्स ऑफ टाइम। तो लैप्स ऑफ टाइम किस तरीके से हमारा एक रीजन है डिप्रिसिएशन का देख लेते हैं। सो नॉर्मली द पैसेज ऑफ टाइम आल्सो कॉजेस सम रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज एज दे बिकम ओल्ड देयर वैल्यू स्टैंड्स रिड्यूस्ड, है ना। जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं उनकी वैल्यू जो है वो घटती जाती है, तो उससे उनकी वैल्यू अगर घटेगी तो उनका प्राइस भी घटेगा, है ना। यहाँ पे देखो प्राइस और वैल्यू को एक मत समझना, प्राइस मतलब जो कीमत आप पे कर रहे हो, वैल्यू मतलब उसके बदले जो वैल्यू आपको मिल रहा है, आप जितना काम कर पा रहे हो, है ना। सो दैट इज व्हाई द डिप्रिसिएशन इज यूजुअली चार्ज ऑन द बेसिस ऑन टाइम बेसिस। इसीलिए जो डिप्रिसिएशन है वो टाइम बेसिस के हिसाब से चार्ज होता है। इन केस ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक लीज पेटेंट्स ईटीसी द वैल्यू डिक्रीज विद द पैसेज टाइम एज दे जनरली हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लीगल लाइफ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे फिक्स्ड एसेट जैसे कि पेटेंट्स हो गया, लीज हो गया, इन सब के ऊपर जो है डिक्रीज जो है पैसे जो उसका जो वैल्यू है वो एक तरीके से नहीं घटता है आप बोल सकते हो, लेकिन एक लीगल टाइम तक के लिए ही उसकी वैल्यू होती है। एक लीगल टाइम जैसे आपका पूरा हो जाएगा उसकी वैल्यू जो है खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग टेकन ऑन लीज फॉर 10 इयर्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 1 लाख। आपने कोई बिल्डिंग लैंड पे ली, आई मीन बिल्डिंग जो है आपने लीज पे लिया है 10 सालों के लिए, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ने हैं। द ईयरली डिप्रिसिएशन ऑफ द लीज अमाउंट विल बी 10,000 1/10 ऑफ द 1 लाख एंड चार्ज्ड एज सच टू द प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर। तो एक 10 लाख रुपए अगर आप 1 लाख रुपए आपने अगर 10 साल के लिए है तो आपको 1 लाख रुपए 10,000 रुपए पड़ रहे हैं 1 साल के, राइट। तो उसका आपका जो डिप्रिसिएशन का वैल्यू है लीज का आप निकाल सकते हो उस तरीके से कि जो 10,000 होगा 1 लाख × 1/10%, राइट। तो जो 10,000 होगा वो आप उसको एज ए डिप्रिसिएशन जो है आप चार्ज कर सकते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, राइट। तो इस तरीके से हो गया ये बात। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो की है वो एब्सोलेसेंस। एब्सोलेसेंस हमारा अगला टॉपिक है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने सामान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, रखा हुआ है, रखा रखा जो है खराब हो जा रहा है। सो द एक्विजिशन ऑफ एन इंप्रूव्ड मॉडल मे रेंडर द एग्जिस्टिंग मशीन एब्सोलेट। मतलब जब आपने कोई नया मशीन मंगवाया तो आपके पास जो पुराना मशीन रखा हुआ था वो एक तरीके से एब्सोलेट हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप उसमें इस्तेमाल करोगे नहीं, है ना। सो एज द न्यू मशीन परफॉर्म्स द सेम ऑपरेशन मोर क्विकली एंड मोर इकोनॉमिकली एग्जिस्टिंग मशीन इज सेड टू हैव बिकम आउट ऑफ डेट एंड एब्सोलेट, है ना। तो अगर आप नए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आपको यू नो 1 मिनट में सपोज आप सपोज जेरोक्स ही कर रहे हो, 1 मिनट में यहाँ पे आपको नए वाले मशीन में 100 प्रिंट्स हो रही हैं और पुराने वाले मशीन में 5 हो रही थी या 50 हो रही थी, फिर भी तो यहाँ पे 5 या 95 गुना ज्यादा है ना। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप तो कोशिश करोगे ना कि नए वाले मशीन से करें, तो पुराना वाला मशीन जो है वो एब्सोलेट हो जाएगा, वो रखा रखा जो है एक तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे भी आउट ऑफ डेट हो गया है, आउटडेटेड माल हो गया है। दिस कॉजेस अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी। इसके कारण से जो है जो वैल्यूएशन होती है उसकी उसमें जो रिडक्शन है जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली आता है, मतलब बहुत ही अचानक से उसकी प्राइस जो है घट जाती है। एंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज बाउंड टू बी हैवी। और जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो उसके ऊपर लगता है पुरानी वाली मशीन के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा उस पर चार्ज होता है, भारी भरकम चार्ज होता है, लंबा चौड़ा नहीं। नाउ डिप्लेशन। So some of the assets are wasting characters. Some assets are of a wasting character. For example, mines, quarries, oils, etc. ये सारे जो assets होते हैं ये एक तरीके से wasting character के होते हैं. So due to continuous extraction of minerals and natural resources get depleted. तो जब आप लगातार you know minerals निकालते हो, natural resources निकालते हो, coals निकालते हो जमीन से, तो उनकी जो उनका depletion है वो बढ़ता जाता है. जो उनकी मात्रा है जमीन के अंदर वो घटती जा रही है. So depreciation in case of such asset is often computed on the basis of actual depletion. So sometimes उनके ऊपर जो depreciation charge होता है वो उनके depletion को देख करके charge होता है, उनका depletion कितना हुआ है, कितना stock अभी और है अंदर में, you know, इस तरीके से उनका जो है depletion के basis पे जो है depreciation charge होता है. For example, a coal mine has the coal deposits of 200 million tons. Suppose कोई coal mine है, ठीक है ना, जिसके अंदर 200 million ton जो है उसके पास total assets हैं, मतलब coals हैं नीचे में। So in the first year we extracted 10 million. तो पहले साल में हम लोगों ने 10 million जो है निकाल लिया, 10 million tons of coal मैंने निकाल लिया। So the depreciation of the first 5 years shall be to 10 out of 20 of the cost of mine. ठीक है? तो जो cost price रहेगा mine का, है ना, जो पूरे का पूरे mine का जो खर्चा है, उसको आप multiply कर दोगे 10/200 से। क्योंकि 200 मिलियन टोटल है, उसमें से 10 मिलियन आपने निकाल लिए, तो उसकी वैल्यू जो है आप वहां से निकाल सकते हो डिप्रिसिएशन की, राइट। सपोज कोल माइन की प्राइस जो है 1 लाख रुपए है, सपोज मान लो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख इंटू
फर्स्ट 5 ईयर्स का क्या हो जाएगा, 1 लाख × 10/200, ठीक है, 10/200, तो 1 लाख × 10/200 करके देखो कितना होता है, जो उसकी वैल्यू आएगी वही आपका डिप्रिसिएशन होगा, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज मेंशनड अबव, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज मेंशनड अबव, इट कैन बी सेड दैट अ डिप्रिसिएशन इज परमानेंट एंड कंटीन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एब्सोलेंस, डिप्लेशन और एनी अदर कॉज, है ना। तो जो ऊपर में चीजें लिखी हुई हैं उसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि डिप्रिसिएशन का मतलब होता है एक परमानेंट और एक कॉन्टिन्यूस रिडक्शन। परमानेंट रिडक्शन होगा, वापस से इसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है, और कॉन्टिन्यूस होगा, ऐसा नहीं कि अभी गिरा अगले साल नहीं गिरा, उसकी वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूस वे में गिरती रहेगी ड्यू टू वेयर एंड टियर, उसका इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि समय गुजर रहा है इसलिए, ड्यू टू एब्सोलेसेंस, अब वो इसलिए होता है क्योंकि आपने नई टेक्नोलॉजी मंगा ली, पुराने वाला समीन आपका रखा हुआ है, रखे रखे वो खराब हो जा रहा है, तो एब्सोलेसेंस। तीसरा है डिप्लेशन, है ना, कोल माइन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि जितना वो डिप्लेटेड करता है उतना उसका डिप्रिसिएशन उस तरीके से चार्ज होता है, या फिर किसी और रीजन से। तो ये चार रीजन यहाँ पे बताए गए थे, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।